घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। उसको समझता क्या? उनकी ये फिल्म साउथ से लेकर नॉर्थ तक खूब चर्चा में रही। साल 2021 के अंत में सिनेमा घरों पर पहुंची अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा ने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई और ये फिर फिल्म नॉर्थ इंडियन बॉक्स ऑफिस से भी 100 करोड़ रुपए ले गई। अब बाहुबली निर्देशक एसएसराज मौली, राम चरण और जूनियर एनटीआर फिल्म आरआरआर लेकर सिनेमा घरों में आए, जो दर्शकों को काफी भा रही है। फिल्म ने पहले दिन ही साउथ से लेकर नॉर्थ तक हर ओर जबरदस्त कमाई की। खास बात यह है कि इस फिल्म को देखने के बाद खुद अल्लू अर्जुन भी निर्देशक एसएसराज मौली के मुरीद हो उठे। रामचरण और जूनियर एनटीआर स्टारर फिल्म आरआरआर को देखने के बाद अल्लू अर्जुन ने फिल्म की तारीफ में दो ट्वीट किए। उन्होंने ट्वीट में इस फिल्म की तारीफ पर लिखा, आरआरआर की टीम को हार्दिक शुभकामनाएं, क्या शानदार फिल्म है। हमारे सम्मानित निर्देशक एसएसराज मौली को उनकी दूरदृष्टि को मेरा सलाम। अपने भाई और मेगा स्टार रामचरण तेजा की शानदार एक्टिंग और उनके करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए मुझे गर्व है। मेरा प्यार और सम्मान मेरे बाबा पावर हाउस के लिए। दूसरे ट्वीट में अल्लू अर्जुन ने जूनियर एनटीआर, आलिया भट्ट और अजय देवगन समेत फिल्म की तकनीकी प्रभारियों से भी शुभकामनाएं दी है। जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें बता दें कि सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रामचरण मेरे भाई हैं। साथ ही दोनों साउथ फिल्मों के बड़े सितारे भी। अब जो अपनी दमदार एक्टिंग स्किल्स की वजह से लंबे वक्त से साउथ इंडियन सिनेमा की दुनिया में टिके हुए हैं। फिल्म स्टार रामचरण सुपरस्टार चिरंजीवी के बेटे हैं, जबकि चिरंजीवी अल्लू अर्जुन के मामा हैं। अब साथ ही अल्लू अर्जुन रश्मिका मंदाना स्टारर निर्देशक सुकुमार की मच अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 की तैयारियों में बड़े स्तर पर शुरू हो चुकी है, जिसको मेकर्स एक बड़े स्तर पर बना रहे। अब दिलचस्प बात यह है कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा को केजीएफ और बाहुबली की तर्जों पर दो पार्ट में रिलीज किए जाने की तैयारियां हैं। बता दें निर्माता दूसरे पार्ट के लिए बॉलीवुड स्टार परेश रावल को फिल्म का हिस्सा बनाने की तैयारियों में। परेश रावल को ना सिर्फ हिंदी फिल्म जगत बल्कि साउथ सिने दर्शकों के बीच भी काफी जाना माना जाता है। परेश रावल लंबे वक्त से साउथ सिने इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और एक से बढ़कर एक विलेन के खूंखार किरदारों में अपनी छाप दर्शकों के बीच छोड़ चुके। बता दें पुष्पा 2 में इनका किरदार सैंडलवुड तस्करी का मास्टरमाइंड होगा और इतना दया ही इनकी एंट्री पर लोगों की रूह कांप उठे। तो आप कितने एक्साइटेड हैं पुष्पा 2 में परेश रावल को देखने के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अलविदा।